Narang Eye Institute is today known for excellence in complete eye care, especially cataract surgery, LASIK surgery for glasses removal, and comprehensive retina care. Dr. S K Narang, Chairman and Managing Director at Narang Eye Institute, explaining about latest types of intraocular lenses (IOL) in cataract surgery. जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है और वो उसको हम डायग्नोज करते हैं कि उसको कैटरेक्ट है या सफेद मोतिया है जिसके कि ऑपरेशन की जरूरत है, उसके लिए पहले हम एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट। कई बार तो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि अब उनको ऑपरेशन कराना ही है। कई बार पेशेंट को मोतिया कम होता है लेकिन वो चाहता है कि उसको ऑपरेशन जल्दी हो जाए क्योंकि उसके अपने रूटीन वर्क में डिफिकल्टी होती है। तो उनके इसमें एक बार हमने और पेशेंट डिसाइड कर लिया कि उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, यानी कैटरेक्ट का ऑपरेशन होना है। उसके बाद पेशेंट का फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा हमें लेंस लगवाना चाहिए। तो आज मैं कुछ लेंसेज के बारे में बताऊंगा। लेंसेज में हमारे पास बेसिकली दो तरह के लेंसेज हैं, एक होते हैं एस्फेरिक लेंसेज और एक होते हैं स्फेरिकल लेंसेज। दोनों हिंदुस्तान में बनते हैं और फॉरेन कंट्रीज से भी आते हैं। हिंदुस्तान के लेंसेज कुछ सस्ते होते हैं और कंट्री के लेंसेज कुछ महंगे होते हैं। सो पहली हम लेते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज और एस्फेरिकल लेंसेज से फर्क क्या होता है। एस्फेरिकल लेंसेज में कंट्रास्ट, पेशेंट का विजन कंट्रास्ट बहुत अच्छा होता है और क्लैरिटी ऑफ विजन थोड़ी सी बेटर होती है, जबकि स्फेरिकल लेंसेज में ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती हैं, थोड़ी सी कम होती हैं, कंट्रास्ट थोड़ा पुअर होता है। ये तो होते हैं मोनोफोकल लेंसेस। मोनोफोकल लेंसेस वो होते हैं जिससे कि सिर्फ आपको डिस्टेंस का दिखाई देता है, नजदीक के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स का जो ऑपरेशन के पहले हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि स्फेरिकल एरर के साथ साथ सिलिंड्रिकल एरर भी होती है। सिलिंड्रिकल एरर में सिलिंड्रिकल लेंस होता है। तो ऐसे लेंसेज भी होते हैं जिनको टॉरिक लेंसेज कहते हैं, जिनसे सिलिंड्रिकल पावर को भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी सिलिंड्रिकल पावर जो पेशेंट की अपनी नेचुरल सिलिंड्रिकल पावर है वो भी खत्म कर दी जाती है और पेशेंट का नंबर नियरली जीरो हो सकता है, यानी कि करीब करीब जीरो हो सकता है। अब हम डॉरिक लेंस से ऊपर चलते हैं, उसके बाद हमारे पास मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं। मल्टीफोकल लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जिनमें दूर का भी और नज़दीक का भी दोनों काम बिना चश्मे के चल जाते हैं, लेकिन नज़दीक के लिए बहुत बारीक काम करने के लिए, यानी कि वेरी फाइन प्रिंट्स पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ सकती है। इसका नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लेंसेज है एक्सटेंडेड फोकस लेंसेज। एक्सटेंडेड फोकस लेंसेज जैसे कि सिम्फनी लेंस है, उसमें दूर का और नज़दीक का नज़र आता है, लेकिन इंटरमीडिएट यानी कि दूर और नज़दीक के बीच का जो चीज़ होती है वो भी थोड़ी साफ नज़र आती है, वो भी अच्छी नज़र आती है, यानी कि तीनों विजन अच्छे होते हैं। आजकल कुछ समय से सिम्फनी से भी बेटर लेंस, काम करने में बेटर लेंस ट्राईफोकल लेंस। ट्राईफोकल में जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ट्राईफोकल मींस तीन फोकस होते हैं उसके। एक पढ़ने का फोकस होता है, एक दूर का फोकस होता है, एक इंटरमीडिएट फोकस होता है। ये तीनों चीज़ें पेशेंट को क्लियरली नज़र आती हैं, अगेन बहुत बारीक काम करने के लिए, नज़दीक बहुत बारीक काम करने के लिए थोड़ा बहुत आधा या पौना नंबर पेशेंट को लगाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का पेशेंट को ध्यान रखना है। और जो मोनो ट्राईफोकल लेंसेज और सिम्फनी लेंसेज और मल्टीफोकल लेंसेज के अंदर भी टॉरिक चीज़ को, टॉरिक एलिमेंट को डाला जा सकता है, यानी कि सिलिंड्रिकल लेंसेज का काम भी कर जाते हैं और नज़दीक दूर और इंटरमीडिएट डिस्टेंस का भी काम ये कर सकते हैं। उसको टॉरिक मल्टीफोकल, टॉरिक ट्राईफोकल या टॉरिक सिम्फनी लेंसेज कहते हैं। ये बेसिकली ये तरह के लेंसेज हैं। फिर एक ब्रॉड कैटेगरी, दो ब्रॉड कैटेगरीज और होती हैं, एक हाइड्रोफिलिक लेंसेज, एक हाइड्रोफोबिक लेंसेज। हाइड्रोफिलिक लेंसेज कुछ थोड़े से क्वालिटी में इंफीरियर माने जाते हैं, हाइड्रोफोबिक लेंसेज बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन कुछ इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हाइब्रिड लेंसेज बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोफोबिक की अच्छाइयाँ भी उसमें होती हैं, हाइड्रोफिलिक की अच्छाइयाँ भी उसमें होती हैं, तो वो एक हाइब्रिड लेंसेज माने जाते हैं। Narang Eye Institute, a super specialty eye hospital offering high standard and most ethical eye care services, trusted by 1 million patients.